फिर हमें तीसरी सर्विस जो है वो किसी पता नहीं किस मुल्क में करेंगे। पहला काम जो हम करेंगे वो पीपीएफ करेंगे बाइक पे, उसके बाद छोटे मोटे काम जो रहेंगे वो भी हम यहाँ पे करेंगे। और अगर आप बाहर से बाय रोड आते हैं कश्मीर, तो पहले आप पहलगाम घूमिएगा अच्छे से, फिर शोपियान साइड पीर की गली जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम होम। आज बहुत दिनों के बाद फिर से माजरत चाहता हूँ, क्योंकि व्लॉग्स जो है ना वो चार पाँच दिन छोड़ के मैं बना रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि इंटरनेशनल राइड के साथ हम मसरूफ़ हैं, परमिशंस बनाना, वीज़ाज लगवाने हैं, बाइक का कारनेट वगैरह ये सब प्रोसेस में लगे हैं। लेकिन जब मैं निकलूँगा कारनेट वगैरह के लिए वो मैं आप सबको दिखाऊँगा। और फिलहाल हमें थोड़ी सी राइड जो है डिले करनी पड़ी, क्योंकि ईरान और इसराइल जैसे आप सबको पता है हालात कैसे हैं, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा डिले करना पड़ा। ज़्यादा नहीं, 10-15 या 20 दिन हम डिले करेंगे। बाइक में जो नंबर लगा है वो टेम्प्रेरी नंबर लगा है, क्योंकि BMW का शोरूम JNK में कहीं पे नहीं है। 40 दिनों के लिए बाइक पे नंबर लगा है, लेकिन उससे पहले ही हमें यहाँ जो ARTO है वहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करवानी है अपनी बाइक की। और आजकल काम काज का सीज़न है, ज़्यादातर गाँव में काम काज का सीज़न है। बड़ा अच्छा लगता है ऐसा माहौल देखना जब पूरा खेत भर के होता है लोगों से, वो भी मैं दिखाऊँगा रास्ते में, बड़ा मज़ा आएगा। और वेदर की बात करेंगे तो विंटर ने थोड़ा सा फेस दिखाया है कश्मीर में, क्योंकि रात को ठंड होती है, आपको स्वेट शर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी कश्मीर में। दिखाते हैं आपको अच्छी सी चीज़ें, दिल थाम के बैठे हैं, शुरुआत करते हैं। अभी बहुत टाइम के बाद अपना पुराना वाला हुलिया, राइडिंग वाला हुलिया, आज मैं बाइक में पहले PPF करवाना है। इसमें जो है पूरे तरीके से जहाँ पर PPF होगा वो हम करेंगे, और भी जो प्रोटेक्शन कवर्स रहेंगे वो हम इस पर लगाएंगे आज। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं अपने घर से, और दिक्रों को भी आज साथ उठाना है क्योंकि इसकी सर्विस करानी है। ये बड़ा नाराज़ हो गया है हमसे क्योंकि हमने इसको चलाया नहीं है ऑल इंडिया के बाद। लुक बहुत मस्त है इसका, इसको भी साफ़ सुथरा रखेंगे हम तो बेहतर होगा। बिस्मिल्लाह। हर कोई आज खेत में काम करने के लिए निकले हैं। ओहो हो, कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये छोटे छोटे जो ये घास के घर बनाए हैं, घर जैसे बड़ा अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं रुकूँगा 5-10 मिनट, कुछ शॉट्स दिखाऊँगा यहाँ के, बड़ा अच्छा लगेगा। और ऊपर से जब परिंदे उड़ते हैं तो और भी अच्छा लगता है। यहाँ पे रुकेंगे। इस लोकेशन की मैं बात कर रहा था, जब भी मैं घर से निकलता हूँ ना तो ये खूबसूरत सा इलाका मेरे सामने आता है। बिल्कुल त्राल सैमू जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये खेत पूरा जो है सैमू का है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और जब ग्रीन पैच होते हैं इस पे वो भी आपको बड़े अच्छे लगते हैं। आज का माहौल भी बड़ा अच्छा लगता है। चलिए जी यहाँ से आगे की ओर। अब सच बताएं ये फुटेज आपको कैसी लगी, ये नज़ारा आपको कैसा लगा? मैंने सोचा आपको ये पहले नज़ारा दिखाते हैं कश्मीर में कैसे काम काज का सीज़न होता है, शाली काटने का, सेब का। सेब का तो मैं दिखा नहीं पाया, तब हम गुरेज में थे। वेलकम टू बेज बिहारा। और जब भी आप बाहर से कश्मीर आते हैं ना तो पहले आप यहीं पर एंटर हो जाते हैं, और इससे पहले आपको पड़ता है पहलगाम। और अगर आप बाहर से बाय रोड आते हैं कश्मीर, तो पहले आप पहलगाम घूमिएगा अच्छे से, फिर शोपियान साइड पीर की गली जाइएगा, उसके बाद श्रीनगर,
उसके बाद दूध पथरी, गुलमर्ग, ऐसा कुछ करके मैप छोटा मोटा आपके लिए बोल दिया। ओहो हो, कॉर्न खाने का मन कर रहा है। बीच में रुक गया यार। इससे पहले हमने एसेसरीज लगाई थी चंडीगढ़ में, हमें वहां पे फिर से जाना है क्योंकि हमने वहां से स्टॉक उठाया है, तो जब हमारी दूसरी सर्विस होगी बाइक की तब हम जाएंगे। पहली सर्विस इसकी 1000 किलोमीटर के बाद है, दूसरी सर्विस 10,000 किलोमीटर, फिर हमें तीसरी सर्विस जो है वो किसी पता नहीं किस मुल्क में करेंगे। कुछ ही दिनों में हमें मुंबई भी जाना पड़ेगा, वहाँ मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं अपने बड़े भाई जीशान भाई, जो कि मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं इस इंटरनेशनल राइड में, कारनट के सिलसिले में, परमिशन के सिलसिले में, क्योंकि हमें उन बॉर्डर्स की भी परमिशन चाहिए जिनका बड़ा मुश्किल रहता है जाना, वो मैं बताऊंगा आगे। फिलहाल मैं नाम नहीं बताऊंगा कंट्रीज़ के, आपको मैंने पहले ही थोड़ा सा सरप्राइज दिया, थोड़ा सा हिंट दे दिया कि उम्रा मुझे बाइक पे करना है, लेकिन उसके बाद आगे और हमें बढ़ना है। ये लोग यहाँ पे झाड़ू बनाते हैं, बिहार से आधे आधे यूपी से आते हैं, और यहाँ पे फिर ये ना छोटे छोटे ये कैंप्स लगाते हैं, और फिर यहाँ पे काम करके खुद ही झाड़ू बनाते और फिर कश्मीरियों को बेचते हैं। कैंप टाइप बनाए इन लोगों ने, रात भर यहीं पे रहना, झाड़ू बना लेना, अपना काम काज अच्छे से करना। तो या आगे बढ़ते हैं। Here we are at MJ Customs जलशानो। यहाँ पे इतनी सारी बाइक्स लगी है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम मालिक, ते चोस ठीक सेहत ठीक असल पे माशाल्लाह। ओए होए होए होए, हमारे साहब कहाँ हैं? यहाँ पे जो है पीपीएफ वगैरह होता है जो कि हम अपनी बाइक पे कराएंगे। अभी सब्र करें, अभी अजान हो रही है, नमाज पढ़ेंगे बाहर, उसके बाद मिलेंगे आप सबसे। तो वेलकम टू एमजे कस्टम्स अनंतनाग कश्मीर। पहला काम जो हम करेंगे वो पीपीएफ करेंगे बाइक पे, उसके बाद छोटे मोटे काम जो रहेंगे वो भी हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, हेलमेट से लेकर जेरी कैन से लेकर टॉप बॉक्स तक सब कुछ मिलता है यहाँ पे। फिलहाल कुछ खाएंगे, बिरयानी मैंने मंगवाई है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, वो खा के हम काम पे लग जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बाइक्स की बात करेंगे तो सब कुछ बनता है। ये RX 100 किसकी फेवरेट बाइक है वो मुझे बताइएगा, सब कुछ खुला है इस पे, काम में लगी है ये बाइक, सब कुछ बेचारी को ना कोमा में लगा दिया है इस बाइक को। और ये देख सकते हैं आप इसकी हैंडल कहाँ से है, और ये जब तैयार होगी ना फिर आपको शौक लगेगा कि कैसे बनाते हैं ये बाइक्स। ये तो 90s में आती थी ये बाइक, बहुत सारे लोगों ने चलाई होगी, उसके बाद भी आई थी, फिर ये बंद होगी, लेकिन MJ कस्टम्स ना इनको बहुत अच्छे से मॉडिफिकेशन बहुत अच्छे से नए से बनाते हैं, नए से जो है पिस्टन वगैरह मंगवाते हैं, और फुली आपको लगेगा कि ये 2023-2024 मॉडल है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ना जब हम बाइक लाते हैं, यहाँ पे काम करवाते हैं। तो इस साइड जो मैंने दिखाया आपको अभी, इस साइड पीपीएफ वगैरह, और यहाँ एंटर होने के लिए आपको जूता निकालना पड़ेगा, चप्पल लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये एरिया बहुत साफ़ सुथरा रखना पड़ता है, क्योंकि इस एरिया में थोड़ी सी धूल भी नहीं होनी चाहिए। पीपीएफ जो हम बाइक्स पे करवाते हैं या हम उस पे जो है रबिंग करवाते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी धूल भी रही ना तो स्क्रैच लग जाता है। और यहाँ से भी बाइक्स लगी है, रॉयल एनफील्ड पूरा, ये भी कोमा में है। इस बाइक पे क्या हुआ है वो मुझे नहीं मालूम। बहुत मस्त, हाथ से खाने का चम्मच से अच्छा नहीं लगता, अब आएगा मजा हाथ से। MJ कस्टम्स से बिरयानी आपको फ्री में देता है, तो जितने भी कस्टमर्स आते हैं यहाँ पे, चाहे आप कुछ लेंगे या नहीं लेंगे, हाँ
ये हमारे भाई साहब आपको फ्री में यहाँ पे बिरयानी देंगे पहले, जो कि मैं अभी बात कर रहा था कि फ्री में आपको बिरयानी मिलेगी। ये आपने हर किसी के लिए रखा है जितने भी कस्टमर्स आते हैं यहाँ। बिरयानी मजा आया भाई। ओहो फिलहाल टेम्पररी 5-6 दिनों के लिए हम इस पे ये कवर लगा रहे हैं। इट्स नॉट PPF बट ऐसी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हमें चंडीगढ़ जाना है। यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है माशाल्लाह, और मालिक का कहना है कि आज हम काम नहीं कर पाएंगे इस पे, काम होगा 5-6 दिनों के बाद। इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा बच जाएगा जब तक हम चंडीगढ़ से वापस आएंगे, नहीं तो इस पे स्क्रैचेस लगते बहुत सारे। उसके बाद फिर से हमें बाइक यहाँ पे लानी है, नंबर हमें यहाँ पे लेना है, बुक करना है स्लॉट अपना। उसके बाद हमारी बाइक जाएगी उसमें इस खूबसूरत से कैबिन में, और वहाँ पे सारा काम होगा इसका। और पीछे जो हमारा दिख रहा है उस पे हम लाइट्स वगैरह ठीक कर रहे हैं, उसमें नट बोल्ट वगैरह लूज था पूरा, वो हम अच्छे से अभी ठीक कर रहे हैं। अभी हम वापसी की ओर, और शाम हो गई यहीं पे। हमने सिर्फ इस बाइक को काम किया है, खाली ये PPF लगाया थोड़ा सा करके, अच्छे से नहीं लगाया क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 घंटे लगेंगे। और इस बाइक में हमने सारा कुछ नट बोल्ट वगैरह जो भी था वो हमने इसमें फिक्स कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह या अल्लाह। अभी शाम के टाइम आपको बहुत अच्छा लगेगा बाइक राइड में, क्योंकि मौसम आजकल बहुत अच्छा हो गया है। अभी विंटर ने थोड़ा सा रूप दिखा लिया, बिस्मिल्लाह। ठंडी ठंडी हवाएं, लेकिन जब आप ज्यादा लेट बाइक चलाओगे ना तो आपको जैकेट लगाना जरूरी है। इसमें हमें लाइट्स भी चेंज होती है, कैन सी बहुत खूबसूरत। इसका थ्रो भी अच्छा है इस लाइट का। बिस्मिल्लाह, फाइनली होम। तो फाइनली एट होम। मैं फिर से माजरत चाहता हूँ क्योंकि व्लॉग्स जो है ना ये मैं आज 6 दिनों के बाद बना रहा हूँ, अपडेट में देता रहूंगा। फिलहाल मैं सीरीज पे जाना चाहता था कहीं पे, लेकिन यहाँ से काम करना बाकी है, और भी काम है बहुत सारा, और भी शेयर होगा आप सबसे। सब कुछ दुआ में याद रखे, और मेरे नसीब में ये इंटरनेशनल राइड हो, आप इसके लिए दुआ करें। अल्लाह आप सबको भी सलामत रखें। वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमान अल्लाह, आई लव यू ऑल।